दे मुझे रंज आशनाई दे। या तो यहां से मुझे ले जाओ या फिर मुझे अपने हाथों से मार डालो। इडियट जैसी बातें कर रहे हो अली, होश में तो हो? मैं सही कह रहा हूँ सारा, अब ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप जैसे बिगड़े हुए गांव के मर्दों के पास थोड़े बहुत क्या पैसे आ जाए, एक बीवी को घर पे रखकर बांदी बनाते और दूसरी को बाहर निकाह के नाम पर फेंकाते। शर्मिंदा होने की वजह से बाल लड़ाती है मुझे। तेरे बच्चे और तेरी बीवी को कुछ हो जाता क्या इज्जत रह जाती दुनिया में तेरी? ते मुझे रंज आशनाई दे। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं। क्या अम्मी अब तक नाराज है तुमसे? अभी तक नाराज है। 2 माह से मुसलसल नाराज, मुझे तो खतरे की बू आ रही है। इतनी लंबी नाराजगी कोई ना कोई खला पैदा कर देती है। तुम्हारा अगर बेटा पैदा होगा तो मैं फौरन तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, और ये बात तुम ये भी जानती है, मेरी मां वैसे भी कब तक खफा रहेंगे मुझसे, मना लूंगा उन्हें। बस तुम ये दुआ करो कि तुम्हारे यहां बेटी के बजाय बेटा ही हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का फैसला भी तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा ही करेगा। अम्मी पास करें ना, खत्म कर देना गुस्सा। कोई दुश्मन के लिए भी इतनी देर तक अपने दिल में गुबार नहीं रखता। मैं तो फिर भी बेटा हूं आपका। नहीं हो तो मेरे बेटे, तुम्हारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारा बाप का है। मुझसे शादी होने के बावजूद उसकी नजरें जो है दूसरी औरतों पे होती थी, और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि बार बार तुम अपनी शक्लें मुझे मत दिखाया करो। बस जितनी हमारा गर्दियां करनी है करो, मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। वहां कैसी बातें कर रही? अरे बेटा, इतना वजन उठाया हुआ तुमने, किस दफा मना किया है कि तुम भारी चीज नहीं उठाओगी, बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। अरे पप्पो, 2-4 कपड़े तो हैं। नहीं बेटा, एक दिन का भी नहीं। और ये मोमल कहाँ मर गई? मोमल, मोमल। जी बेगम साहिबा। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम सिर्फ गिलास का पानी तक नहीं उठाने दोगी, और ये इतना भारी वजन उठा रही है, कहाँ मर गई थी तुम? इसे क्यों डांट रही है? ये तो मुझे खुद मना करती है, मैं तो बस खुद काम करना चाह रही थी ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। नहीं बेटा, कोई काम नहीं करना तुमने, बस सिर्फ आराम करना है, आराम, समझी तुम? चलो चलो मेरे साथ आराम करो। ते मुझे रंज आशनाई दे। ते मुझे रंज आशनाई दे। अम्मा। हाँ अम्मा, जल्दी आओ। आ रही हूँ। मेरे क्यों चीख रही है तू? अम्मा जल्दी आओ। आया तो गई हूँ, क्या हो गया तुझे? अम्मा बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ अम्मा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। मैं आशा को फोन करती हूँ, तेरे फोन किधर है? अम्मा वो कमरे में। अम्मा अम्मा से तो कहना जल्दी है। मैं कहती हूँ उसको, तू अपने आप को संभाल, मैं अभी फोन करती हूँ। अम्मा जल्दी करो। अल्लाह।
उफ अल्लाह। की बात है तो परेशान नहीं हो बस। मोहन जल्दी आओ, जल्दी आओ, सामान सब गाड़ी निकाले, हमें अस्पताल जाने का वक्त आ गया। चलो बस बेटा, देखना अब तुम्हारी गोद में चांद सा बेटा होगा इंशाल्लाह। पप्पो, बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह की मर्जी है। नहीं, बेटी का नाम नहीं लेना, उसके लिए नहीं हमने इतने दिन मुश्किल से काटे हैं। हो तो बेटा हो वरना कुछ भी ना हो, बस जल्दी आओ। पकड़ो पकड़ो, संभाल संभाल के पकड़ो, जल्दी करो, आराम से आराम से। अम्मा अम्मा अम्मा, अभी तक असद क्यों नहीं आया? गया ना डॉक्टर को लेने। डॉक्टर आता है अभी ना, डॉक्टर अभी आ जाएगी, तो संभाल खुद को। अम्मा असद को, अम्मा असद को अब तक आ जाना चाहिए। आइए डॉक्टर साहब, इधर आइए जी। पेशेंट कहाँ पर है? यहाँ ऊपर शमशाद भी। डॉक्टर साहबा। डॉक्टर जी जल्दी आ, बहुत तकलीफ है, जल्दी आ जल्दी। जी जी बताए। कैसे मेरे? ठीक नहीं है, तबीयत बहुत खराब है उसकी। डॉक्टर ने कहा है कि ये इंजेक्शन और ड्रिप लाने हैं उसके लिए, तुम जा जाके जल्दी से लेकर आ। ले आता हूं। जा। लेकिन याद रहे, लड़की नहीं सिर्फ लड़का होना चाहिए। मेरा भी बच्चा जानने के लिए अस्पताल पहुंच चुकी है, सावल ने भी बताया मुझे। अब इनकी किस्मत का फैसला इनके बच्चे करेंगे। जाके कहीं से जाए नमाज ढूंढ के ले गया। मुझे अल्लाह के सामने सजदे में गिर कर दुआ करनी है इरम की बेटे के लिए। अगर वो बाजारी औरत बाजी ले गई ना, तो हम दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और वो असद असद भी जीत जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ जाए नमाज लेके आओ। बेगम, शमशाद बेगम। हाँ, दवाई लाया, ला दे। ये लो।
बेटा सुनो, क्या हाल है बेटी का और बच्चे का? परेशान नहीं हो, जच्चा बच्चा दोनों सलामत है। अल्लाह तेरा शुक्र है रब्बुल आलमीन। अच्छा ये तो बताओ बेटा कि लड़का हुआ है या लड़की? अल्लाह की रहमत है, उनको बेटी हुई है। क्या बेटी? जी बेटी, और मैं अपनी मिठाई जरूर लूंगी, भूलिएगा नहीं। सुरखरू हो गई मेरुन ऐसा, तुमने मेरा बेटा पैदा किया है, हमारा बेटा, बहुत हमारे को। बीबी जी, क्या आप गुड़िया का चेहरा नहीं देखेंगी? एक नजर तो देख लें, हूबहू आप जैसी है। देख लूंगी, अब तो सारी जिंदगी पड़ी है इसे देखने के लिए। ऐसा मत कहें, आप तो कहती थी कि बेटा और बेटी एक जैसे होते हैं, तो फिर आज आप दूसरों की ज़बान क्यों बोल रही हैं? पप्पू अभी तक नहीं आई मोमल, क्या वो अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देखेंगी? वो बहुत परेशान है, आपको तो पता है ना, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, बिल्कुल खामोश हो गई हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रही। यह अली की फाइल और डिस्चार्ज पेपर। अली बहुत मुबारक हो, बहुत कम पेशेंट 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट को पूरा कर पाते हैं, लेकिन आपने तो 8 मंथ्स तक का वेट करके बहादुरी का मुजाहिरा किया है। I'm sorry, आपने मुझे हर तरह से बर्दाश्त किया। And thank you all of you.
बच्चा अली आ गया। मेरा अली, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ठीक होके घर आ गया। मैं घर वापस आ गया, आपके पास वापस आ गया। अली भाई, आपके और डैड के बगैर हमारी फैमिली बिल्कुल इनकम्प्लीट थी। अब आप आ गए तो इतनी खुशी हो रही है। अच्छा अंदर है, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये सारा सरप्राइज पिंकी ने तुम्हारे लिए किया। हैप्पी न्यू लाइफ भाई। मैं इस फैमिली का हिस्सा था लेकिन कभी भी किसी भी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुआ। मेरी गलती थी कि आप सबसे दूर रहा। आप लोगों की कभी कदर जान ही नहीं सका। लेकिन मां, अब मुझे एहसास हो गया कि अपने ही अपने होते। I'm sorry for all that I've done. I'm really sorry. नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आज तो खुशी का दिन है। तुम हमेशा हमारी फैमिली का हिस्सा थे और रहोगे। आज के दिन कोई दुख की बात नहीं। और इस वक्त को हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट करना है, तो इस वक्त कोई दुख की बात नहीं होगी बल्कि हम सब मिलकर केक काटेंगे। पिंकी, नाइफ के बगैर केक नहीं काटा जाता। सॉरी, मैं भी लेकर। ते मुझे रंजे आशनाई दे, ते मुझे रंजे आशनाई दे। मोमर, मुझे लगता है पप्पू खुश नहीं है। नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं है। बेगम साहिबा बहुत खुश हैं पर थोड़ी परेशान है ना, इसलिए बात नहीं कर रही। एक दो दिन में बात खुद करेंगी, आप फिक्रमंद ना हो।
भी पढ़ने में थोड़ी देर नहीं करती अम्मा। पागल तो नहीं हो गई क्या? खुश हो रहा हूं मैं। पूछोगे नहीं मेरुनिसा ने मुझे क्या दिया? मर दिया मुझे उसने, मर्द, मेरा बेटा दिया है उसने मुझे। बिल्कुल मेरे जैसा है वो, हूबहू मेरी शक्ल। आपको आपकी पोती मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। बेगम साहिबा, बीबी जी कह रही हैं कि बच्ची का अच्छा सा नाम रखना है, तो आप आकर उसका नाम रख दें। उससे कहना उसे उसने पैदा किया है, कोई बेहतर सा नाम रख ले, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। क्या कहा पप्पू ने? बीबी जी मैंने कहा था ना आप अपनी बेटी का नाम खुद रख लें, पर आप तो जिद कर रही थी। ये पप्पू की पोती है और इसका एक बाप भी है। मोमन, नाम तो मैं खुद भी रख सकती हूँ, लेकिन ये हक मैं उन्हें देना चाहती हूँ। बाप को अगर बेटी का इतना ख्याल होता तो उसकी शक्ल देखने आता, उसे एक बार गोद में तो लेता। बीबी जी, अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी बदनसीब मखलूक पैदा किया। जानती हैं जब यहाँ किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो यहाँ के मर्द बेटी के बाप को जूती दिखाकर ताना देते हैं, और औरतें माँ को अलग ताने देती हैं और बातें सुनाती हैं। नहीं मोमल, अल्लाह ने हमें बदनसीब मखलूक नहीं बनाया है, उसने तो हमारी कोख से मर्द और औरत को पैदा करकर हमें माँ होने के एक अजीम मुकाम से नवाजा है। ये तो वो बंदे हैं जो अल्लाह की इस अजीम नेमत की कदर नहीं करते। मैं अपनी बेटी का नाम खुद रखूंगी। मैं आज से अपनी बेटी का नाम रोशनी रखती हूँ, जो लोगों के तारीख दिलों को रोशन करेगी। और अपनी रोशनी से उन लोगों की फरसूदा सोचों को खत्म करेगी जो बेटों को बेटियों पर फौकियत देते हैं। मेरे
फिक्र ना करो, तुम्हारा अपना करेंगे। आओ अमी। अमी इससे पहले आप गुस्से में मुझे 10 बातें सुनाएं जिसके नतीजे में मैं आपको 4-6 बातें सुनाने पर मजबूर हो जाऊं। मैं आपसे साफ साफ ये बात कहना चाहता हूं कि मेरुन निशा इस घर की बहू है और इस घर में आ चुकी है और मेरा बेटा भी आ गया। मुझे दुनिया की परवाह नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग मेरे पीठ पीछे भौंकते हैं उनको मेरे सामने एक लफ्ज निकालने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप भी उनकी फिक्र करना छोड़ दें और मेरे बेटे और अपनी बहू से मिल लीजिए। ये लोग आपके साथ अब सारी जिंदगी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या लिखूं दीदी? बीबी जी, बीबी जी, हसन साईं अपनी बीवी और अपने बच्चे को हवेली लेकर आ गए। क्या हवेली लेकर आ गए? हाँ, और बड़ी बेगम साहिबा कह रही हैं कि उनका बच्चा और उनकी बीवी अब हमारे साथ इसी हवेली में रहेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मोमल? ऐसा तुमने जान ने तो सलाम का जवाब भी नहीं दिया। वो मेरे आने से खुश नहीं है। हाँ, ये सब कुछ देख कर तो मैं मुझे मेहरू की फिक्र। मेरू तुम्हारी बेटी नहीं आती, मेरी बीवी है। मुझे फिक्र करने दो उसकी। उमल, उमल, मैं भी आई। ठीक साहब, बात सुनो। ये पकड़ो उसे, ध्यान से। ऊपर वाला कमरा साफ करो, अच्छी तरह से जा दो इसे। ठीक है जी सर। और हाँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए इस घर में, समझे? जाओ। मुझे रंज आशना, मुझे रंज आशना। असद उसे घर ले आए। देखा है मैंने, आंखें हैं मेरी। फिर भी आप खामोश हैं? आप ही खुद भी यही परेशानी थी ना, कैसा उसे यहाँ ना लेकर आए, और आपने मुझे भी इसी उम्मीद से रोका था, फिर क्यों आप हिम्मत हार गई? अगर तुम लड़का पैदा करती तो मैं सीना ठोक के असद के सामने खड़ी हो जाती, तो किसी बाजारी औरत की जरूरत नहीं होती कि इस घर में कदम रखे। लेकिन तुमने तो छोकरी पैदा की और वो नाचने वाली तुमसे बाजी ले गई। ये रब तुमने तो मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। अब मुझे किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है, तुमसे ना, असद से ना, उस मेरे नुसा से ना, तुम दोनों के बच्चों से। सुन लिया ना तुमने? जाओ यहां से।
मैं मानता हूँ मेहरुन्निसा से आपकी बनती नहीं है, लेकिन ये तो आपका पोता है, खून है आपका, इस घर का वारिस है। अगर जमींदारों के घर ऐसे वारिस पैदा होने लगे तो उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। इरम बेटा मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ वहां कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? कुछ नहीं बच, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। पिंकी बेटा, जब तक इरम तुम्हारे साथ है तुम इन जमीनों के मालिक हो, क्योंकि इरम इदरीस की कमजोरी है। दिल कहां तक तेरी दुहाई दे, दिल कहां तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई।